शाइनाज किचन। आज मैं आपको मिक्स वेजिटेबल और चिकन के सैंडविच बनाना सिखाऊंगी बिल्कुल एक डिफरेंट तरीके से। तो आइए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन के 2 पीसेस ले लिए हैं और इस तरह इसको काट लिया है और इसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिली पाउडर और सॉल्ट ऐड करके और इसमें विनेगर लगाया है और इसको तकरीबन 5-6 मिनट के लिए मैरिनेट कर लिया था। अब मैं इसको आपको फ्राई करना बताऊंगी, बिल्कुल लाइट सा इसको फ्राई करना है। मैंने थोड़ा सा मैं ऑयल लूंगी और इसको स्प्रेड कर लूंगी और इसके ऊपर ये मैं चिकन को फैला दूंगी और इसको मैं कवर करके फ्राई करूंगी, बिल्कुल स्टीम जैसे देते हैं बिल्कुल इस तरह कर। जितनी देर में चिकन रेडी होता है मैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेती हूँ। इसके लिए मैंने 2 पोटैटो ले लिए हैं और इसमें मैं मिक्स करूँगी। थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ले ली है और इसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसी तरह मैंने थोड़ी सी कैरेट ले ली है, इसको भी मैं चॉप कर लिया है। मिंट के लीव्स लिए हैं थोड़े से और अनियन ले लिया है, ये भी बिल्कुल थोड़ा सा लिया है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। इसके अलावा इसमें मैं 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी, 1/2 से भी थोड़ा कम टीस्पून इसमें मैं काली मिर्च पाउडर और चिली फ्लेक्स ऐड करूंगी। इसमें मैं मायनीज ऐड करूंगी, 1 टेबलस्पून। और अब इस सारे मिक्सचर को मैं मिक्स कर लूंगी। हाँ जी, ये मैंने इसका मिक्सचर मैश कर लिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया है और इसके बाद हम देखेंगे चिकन को। चिकन बिल्कुल हल्का हल्का सा फ्राई हो चुका है, एक साइड से थोड़ा सा और कर लेते हैं। हो चुका है, इसको मैंने बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना था वो मैंने कर लिया है, कवर करके फ्लेम को ऑफ कर दी है मैंने। अब चिकन को निकाल लूँगी। फ्राई हो गया है, इसको मैंने लाइट से ही फ्राई किया है। अब इसको मैं कटिंग करूँगी। हाँ जी, चिकन को मैंने इस तरह काट लिया है ताकि सैंडविच के ऊपर रखने में आसानी हो। हाँ जी, अब मैं ब्रेड के ऊपर इसका मिक्सचर लगाऊंगी। इस तरह आप अच्छे तरीके से इसका मिक्सचर इसके ऊपर लेप कर दें। हाँ जी, इसका मैंने मिक्सचर ब्रेड के ऊपर स्प्रेड कर लिया है, इसके ऊपर मैं अब चिकन लगाऊंगी। चिकन के पीसेस इस तरह मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर लूँगी अच्छे तरीके से और उसके ऊपर मैं चेडर चीज़ लगा लूँगी। ये भी मैंने हाथों की मदद से इसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर लिया था। इसका दूसरा पीस मैं इसके ऊपर रखूँगी। अब मैंने बिल्कुल हल्की आंच पे तवा इसको गर्म कर लिया और हल्का सा ऑयल लगा लिया इसके ऊपर। चाहे आप तवा रखें चाहे पैन रखें, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो अब मैं ये सैंडविच इसके ऊपर गर्म करूंगी। एक साइड से इसको मैंने कर लिया है, इसको मैं पलट लूंगी और दूसरी साइड से भी इसको कर लूंगी। दूसरी साइड से भी हो गया है, अब मैं इसको उतार लूंगी। आपका सैंडविच रेडी है, बस इसको मैं आपको कट करके बताती हूँ। इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं। तो ये आप देख रहे हैं मज़ेदार सैंडविच हमारा रेडी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू रेसिपीज़ की अपडेट्स आपको फौरन मिल जाएं।